लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे रोडवेज सेवा पटरी पर आती जा रही है। पानीपत डिपो में करीब 130 रोडवेज बसें हैं, अब करीब 80 रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली के लिए 20 मिनट बाद बस मिलेगी। वहीं पानीपत डिपो में 30 काउंटर बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित मां चिंतपूर्णी देवी के लिए पानीपत डिपो से रोडवेज बस सेवा आज यानी मंगलवार से शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अब प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक बस रवाना की जाएगी। इसके साथ ही दीपावली पर्व को लेकर पानीपत डिपो प्रबंधन ने उत्तराखंड के हरिद्वार, कोटद्वार, यूपी के शामली, मेरठ और बिजनौर के लिए फेरे बढ़ा दिए हैं। राजस्थान के जयपुर और अजमेर के लिए बसों के एक एक फेरे और बढ़ा दिए हैं। दिल्ली के लिए भी पानीपत डिपो से 20 और अन्य जिलों से आने वाली रोडवेज बसों का स्टॉपेज शुरू कर दिया है, ताकि दीपावली पर्व पर यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब सरकार ने भी राज्यों में रोडवेज बसों के संचालन की अनुमति दे दी थी। 6 दिन पहले दिल्ली सरकार ने भी पानीपत डिपो की बसों को ESBT तक ले जाने की अनुमति दे दी है। वहीं लुधियाना के लिए भी पानीपत डिपो की एक बस का संचालन शुरू किया गया। इस क्रम में मंगलवार से हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित मां चिंतपूर्णी के लिए बस सेवा शुरू की गई। यह सेवा लॉकडाउन से ही बंद थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए 20 बसों को भेजा जा रहा था, अब बसों के फेरे बढ़ाकर 40 कर दिए गए हैं। पानीपत डिपो के साथ रेवाड़ी, जींद, रोहतक से दिल्ली की ओर जाने वाली बसें भी पानीपत होकर रवाना किए जाना शुरू कर दिया गया है। इस कारण अब दिल्ली के लिए हर 20 मिनट बाद बस मिल सकेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।